नमस्कार, मैनपुरी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। मैनपुरी के एक प्राथमिक विद्यालय में गुरुजी का तबादला होने पर बच्चे फफक फफक कर रोने लगे, जिसके बाद गुरुजी बाबा भी अपने आंसू नहीं रोक सके। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक चौबे की ये रिपोर्ट। दरअसल पूरा मामला बेबर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय धर्मनेर का है, जहाँ 12 अगस्त 2014 को शिक्षक अमित यादव की तैनाती हुई थी। अमित यादव ने विद्यालय का प्रधानाध्यापक बनने के बाद एक आदर्श शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने विद्यालय को जर्जर व्यवस्था से उठाकर जीजान लगाकर अर्श तक पहुंचा दिया। उन्होंने विद्यालय की सूरत और शिक्षा के स्तर को बदल डाला, जिसमें वे विद्यालय में पढ़ रहे नौनिहालों के दिल में बस गए। जब कुछ परिस्थितियां बस शिक्षक अमित यादव का तबादला हुआ तो शिक्षक तो बच्चे पूरी तरह फबक फबक कर रोने लगे। यह देख शिक्षक और अभिभावकों के भी आंखों में आंसू आ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। प्राथमिक विद्यालय धर्मनेर, वहाँ के शिक्षक हैं अमित यादव। तो बता रहे हैं काफ़ी मेहनत उन्होंने स्कूल के लिए की, तो उनका स्थानांतरण हुआ तो बच्चे और अभिभावक काफ़ी भावुक हो गए सर। अब मेरी जानकारी में आया है आपके माध्यम से भी और बेसिक शिक्षा अधिकारी ने भी बताया है, कुछ उनकी व्यक्तिगत समस्या थी उसको लेकर उन्होंने अनुरोध किया था उन्हें कहीं और कर दिया जाए। मेरी जानकारी में है वो पुरस्कृत शिक्षक है, अच्छा काम किया है उन्होंने और शिक्षा की स्थिति ठीक करने में, विद्यालय की व्यवस्था ठीक करने में उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव रोल किया है। मुझे तो ये सुन के आपके माध्यम से भी अच्छा लग रहा है कि ऐसे शिक्षक हमारे जनपद में बहुत सारे हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारा हर शिक्षक इसी तरह